प्रेरणा कथा सही सलाह। बेटे की कार घर के बाहर रुकते ही उसके पिता खुशी से उठकर दरवाज़ा खोलने के लिए चल दिए। पिता बहुत ही अमीर थे और वो अपने बेटे को दुनिया की सभी सुविधाओं के साथ साथ समय समय पर ज्ञान की बातें भी बताया करते थे। पिता उसको हमेशा कहा करते थे, बेटे जीवन में कभी किसी का दिल मत दुखाना, किसी गरीब को मत सताना, जहाँ तक हो सके ज़रूरतमंदों और असहाय लोगों की मदद करना, अमीर और गरीब के बीच में भेदभाव कभी मत करना, इंसानियत को पैसे पद प्रतिष्ठा सबसे ऊपर रखना। उनके बेटे ने पिता का व्यापार भी अच्छे से संभाल लिया था और इसको देखकर पिता हमेशा ही उससे खुश रहते थे। पिछले कुछ दिनों से पिता बेटे को शादी करने के लिए जिद कर रहे थे, पर बेटा कोई ना कोई बहाना बनाकर बात को इधर उधर कर देता था। उस दिन बेटे ने अंदर आकर अपने पिता के सामने बैठते हुए पिता से कहा, पिताजी मैं एक लड़की की मदद करने का निर्णय ले चुका हूँ, वो बहुत ही दुविधा में है, बस छोटी सी मदद है पर आपकी अनुमति लेना तो जरूरी है। मुझे सुनकर अच्छा लगा बेटा, तुम उस लड़की की क्या मदद करना चाहते हो बेटा, क्या वो बहुत ही परेशानी में है? बेटे ने कहा, सिर्फ एक सलाह। सलाहें तो कुछ लोगों को जीवन दे देती हैं और कुछ लोगों को आशाएं दे देती हैं। बहुत अच्छा कहा तुमने बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। मुझे बताओ कि तुम्हारी कौन सी सलाह ने उस लड़की की मदद की है? पिता को बेटे की बातों में आनंद आने लगा था। पिताजी मुझे मालूम चला था कि उस लड़की को एक मर्द ने धोखा दे दिया था, जबकि उस मर्द ने उससे शादी करने का वचन दिया था। वो उसके पेट में एक बच्चा देकर उसको छोड़कर चला गया। मुझे उस आदमी पर बहुत गुस्सा आया और मैंने उस लड़की को सलाह दिया कि वो मुझसे शादी कर ले। उस लड़की ने मेरी सलाह मान ली है और आज सुबह ही मैंने उस लड़की से चर्च में शादी भी कर ली है। वो अभी मेरी कार में बाहर बैठी है। इतना सुनते ही तो पिता की ऐसी हालत हो गई जैसे किसी ने हवा भरे हुए एक गुब्बारे में पिंच हो दी हो और वो गुब्बारा जोर की आवाज़ के साथ फट गया हो। मूर्ख, बिल्कुल मूर्ख हो तुम। तुमको उस लड़की को यह सलाह देते हुए शर्म नहीं आई? तुमने उस लड़की को कैसे स्वीकार कर लिया जिसके गर्भ में किसी और मर्द का बच्चा है? तुमने तो मेरी नाके कटा दी है। पिताजी उस लड़की से शादी का वादा करके उसको गर्भ में बच्चा देकर छोड़ जाने वाला मर्द कोई और नहीं, मैं ही हूँ। इसीलिए मैंने सही सलाह सही समय पर दी है। मेरे जैसे अमीर माँ बाप के बेटे अगर सही समय पर सही सलाह देकर किसी के जीवन स्तर को ऊंचा उठा देंगे तो समाज कितना अच्छा हो जाएगा। क्या ये अच्छा नहीं किया मैंने? उसके पिता का गुस्सा अचानक ही गायब हो गया और उन्होंने उठकर बेटे को सीने से लगा लिया। बस बेटा बस, अब मैं अपने अंतिम दिन चैन से गुजार सकूंगा। तुमने मेरी शिक्षा को प्रमाणित कर दिया है। चलो चलो जल्दी से मेरी बहू को घर के अंदर तो लाओ और हाँ, कल एक बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन करो। कल की पार्टी में तुम और मेरी बहू कम से कम 1000 गरीब लोगों को कपड़े पैसे और खाना भी बांटोगे। शाबाश मेरे बेटे, काश सभी बेटे तुम्हारे जैसे होते। नहीं पिताजी, काश सभी माँ बाप आपकी तरह के ही होते तो ये दुनिया जल्दी ही खुशियों से भर जाती। बाप बेटा दोनों कार में बैठी उस लड़की का स्वागत करने के लिए बाहर चले गए। बहुत बहुत शुक्रिया।